नमस्कार, मैं कमलेश जादवानी आपका व्यापार विषय चैनल में स्वागत करता हूँ। आमतौर पर हम डेलिकेट कपड़ों की वॉशिंग यह सावधानी पूर्वक करते हैं। इससे रिलेटेड हम आज आपको एक हाई फोमिंग माइल्ड क्लीनिंग फाइन फैब्रिक वॉश लिक्विड फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो से जुड़े रहें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। इस वीडियो में हम चार पॉइंट्स पर बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के नाम, फ्लो चार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन, केमिकल इस्तेमाल करने की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कितनी मात्रा में कौन सा केमिकल डालना है, और सबसे अंत में देखेंगे केमिकल इस्तेमाल करने की वजह। पहला केमिकल है आरओ वाटर, सेकंड अमोनियम लॉरिल सल्फेट, थर्ड सोडियम लॉरिल सक्सिनेट, फोर्थ कोका अमाइडो प्रोपिल ब्यूटेन, फिफ्थ ट्राइथॉलोनामाइल, सिक्स्थ जो भी कलर आपको पसंद हो वो इंडस्ट्रियल कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और परफ्यूम आपके पास जो अवेलेबल होगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे केमिकल की सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए। वो देखिए, अमोनियम लॉरिल सल्फेट 99% यह लिक्विड आप आरओ वाटर में मिक्स कीजिए। जब विजुअली इंस्पेक्शन हो जाएगा कि अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, उसके बाद उसमें सोडियम लॉरिल सैक्रोसिनेट यह डालना है। यह आपको मिक्सिंग करते हुए पोर्शन वाइज डालना है और कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ एडिशन पूरा हो जाने के पश्चात जब आपको विजुअली दिखेगा आंखों से कि पूरी तरह मिक्स हो चुका है, उसके पश्चात उसमें कोका अमाइडो प्रोपिल ब्यूटेन डालना है। यह मिक्सिंग स्लोली करनी है और कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ करनी है। जब यह पूरी तरह मिक्स हो जाएगा उसके बाद इस सॉल्यूशन का पीएच यह 11 तक ट्राइथॉलोनामाइन से एडजस्ट करना है। जब यह पीएच 11 तक एडजस्ट हो जाएगा, 11 पीएच आने के बाद उसमें कलर, यह जो भी आपको कलर इस्तेमाल करना है उसे कलर डाल सकते हैं। थोड़ा कलर डालिएगा माइल्ड, वो भी वाटर सोल्यूबल कलर होना चाहिए, और परफ्यूम जो है परफ्यूम आप इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। जो लिक्विड डाल जो ये बनेगा इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद यह आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा, फिलिंग के लिए और पैकिंग के लिए रेडी होगा। जो भी लिक्विड आप बनेगा आप इसे पश्चात उसके पश्चात पैकिंग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 1 किलो बैच बनाने के लिए केमिकल की मात्रा में यहाँ पर बता रहा हूँ। आरओ वाटर यह 830 ग्राम लेना है, ट्राइथॉलोनामाइन यहाँ पर 30 ग्राम के करीबन लगेगा, जो कि आपका पीएच बैलेंस के लिए लगेगा। ये कम ज़्यादा मात्रा हो सकती है, कम लगेगा तो आरओ वाटर उतना ग्राम बढ़ा दीजिएगा। लॉरिल अमोनियम सल्फेट यहाँ पर 99% जो है यह 70 ग्राम लेना है, सोडियम लॉरिल सैक्रोसिनेट यहाँ पर 40 ग्राम लेना है, कोका अमाइडो प्रोपिल ब्यूटेन 20 ग्राम लेना है, कलर 0.3 ग्राम और परफ्यूम 10 ग्राम लेना है। इस कंपोजिशन में यह 1 किलो की बैच के हिसाब से मैंने आपको सब बताया है। केमिकल की कम ज़्यादा मात्रा आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट का कॉस्ट आपके हाथ में है, कम ज़्यादा करना। बिफोर मैन्युफैक्चरिंग या कमर्शलाइजेशन करने से पहले छोटा ट्रायल बैच लेकर उसका इस्तेमाल रिजल्ट चेक कर ले। केमिकल की मात्रा कम ज़्यादा कर उसके पश्चात ही कमर्शलाइज लेवल पर जाना चाहिए। यह एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, आपको भी इसे फॉलो करना चाहिए। यही एक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसीजर है। उसके पश्चात देखिए, आप केमिकल को तो पता चल गया आपको कौन सा केमिकल क्या करता है, तो आप केमिकल का भी पता कर लीजिए। केमिकल का आरओ वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है, ट्राइथॉलोनामाइन यहाँ पर पीएच मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ट्राइथॉलोनामाइन पीएच बैलेंसिंग का काम करता है। लॉरिल अमोनियम सल्फेट 99% यहाँ पर दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया है, एक तो सर्फेक्टेंट के काम करेगा और सेकंड डिटर्जेंसी प्रॉपर्टीज करेगा।
जो उसके बाद का केमिकल है सोडियम लॉरिल सैक्रोसिनेट, यह सल्फ सर्फेक्टेंट और डिटर्जेंसी प्रॉपर्टी दे रहा है। इन दो वजह से इसे सर्फेक्टेंट और माइल्ड क्लीनिंग की प्रॉपर्टी की वजह से इसे सर्फेक्टेंट के इस्तेमाल करने की वजह से इसे हाई फोमिंग डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज वाला वॉश बोला गया है। और कोका अमाइडो प्रोपिल ब्यूटेन यहाँ पर फोम बूस्टर, माइल्ड सर्फेक्टेंट के तौर पर और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस वजह से इसे माइल्ड क्लीनर आप बोल सकते हैं। मेन यहाँ पर आपको इन तीन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि आप आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। इन तीन केमिकल्स की मात्रा कम ज़्यादा कर आप आपके प्रोडक्ट को मैनेज कर सकेंगे। कलर और परफ्यूम यहाँ पर एडिशनल फीचर्स देने का काम कर रहे हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि कितना परफ्यूम और कौन से कंपनी का परफ्यूम या कलर डालना है। इस वीडियो में मैंने बहुत सी बातें बताने का प्रयास किया। अगर आपको किसी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं उस पर रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो इसके लिए मदद करें।